अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन. लेट्स स्टार्ट ओवर टुडेज वर्क. ओपन योर साइंस वर्कबुक. ओपन योर साइंस वर्कबुक एंड द पेज नंबर इज 7. पेज नंबर 7. पेज नंबर 6 पे कल हमने स्पाइन और स्कल को लेबल किया था, कलरिंग की थी कि हॉर्स का स्पाइन और स्कल कौन सा है जबकि रैबिट का स्पाइन और स्कल कौन सा है. और पेज नंबर 7 पे हमने कल ये एक्टिविटी की थी. आई होप कि आप में से सब बच्चों ने अपने हैंड की बोन्स को काउंट किया होगा. हमने यहाँ पे बताया था कि एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं और दो हाथों की हड्डियाँ टोटल बोन्स कितनी हैं और टू थम्स में टोटल बोन्स कितने हैं. नंबर ऑफ ज्वाइंट्स इन इंडेक्स फिंगर, यहाँ तक हमने कल का वर्क किया था. आज हम देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सी है. लेट्स कंपेयर द चिकन एंड बीफ मटन बोन. हमने चिकन और बीफ या मटन के बोन की बोन को कंपेयर करना है, इनकी हड्डियों को. आप किस तरह से करेंगे? नंबर वन, ऑब्जर्व द थाई बोन ऑफ चिकन एंड बीफ वेन एवर इट इज़ कुक्ड एट होम. जब भी आपके घर में चिकन या बीफ आए तो आपने चिकन का थाई बोन लेना है और बीफ का बोन लेना है और कंपेयर करना है. आस्क योर मदर फादर टू हेल्प यू ऑब्जर्व देम क्लोजली. अपनी मामा से या अपने पापा से कहें कि वो आपको इसकी ऑब्जर्वेशन में हेल्प करें. ऑब्जर्व हाउ बोथ ऑफ दीज आर डिफरेंट. ऑब्जर्वेशन के बाद आप बताएंगे कि दोनों की बोन्स किस तरह से डिफरेंट हैं. चिकन थाई बोन किस तरह से डिफरेंट है और बीफ बोन किस तरह से डिफरेंट है. नंबर 4, इस चिकन बोन हार्डर देन बीफ बोन. क्या चिकन की जो बोन है वो बीफ बोन से हार्डर है? यानी आप बताएंगे कि दोनों में से किसकी बोन जो है वो हार्डर है. शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड टीचर. देन यू विल शेयर योर ऑब्जर्वेशन विद योर फैमिली फ्रेंड्स एंड टीचर. आप उनको बताएंगे कि आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी रही है और किस तरह से आपने इसको ऑब्जर्व किया है. यहाँ पे आपको टिटबिट की एक गेम दी गई है. सम एनिमल्स डू नॉट हैव बोन्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी बोन्स नहीं होती. अनसक्रैम्बल द वर्ड्स टू फाइंड द आंसर. यानी इन वर्ड्स को अनसक्रैम्बल करें आंसर फाइंड करने के लिए. सो द आंसर इज जेलीफिश. और आंसर इज जेलीफिश. पेज नंबर 7 के बाद नेक्स्ट आपने पेज नंबर 11 पे आ जाना है क्योंकि पेज नंबर 8, 9 और 10 स्कूल में करने वाली एक्टिविटीज़ हैं. सो आप सिंपली पेज नंबर 11 पे आएँ. पेज नंबर 11 पे हमारे पास क्या है? कीपिंग योर बॉडी हेल्दी. वी शुड बी वेरी केयरफुल विद द फूड दैट वी ईट. हमें बहुत ज़्यादा हिफाजत से ऐसी खुराक खानी चाहिए जो हम खाते हैं. हमें केयरफुल रहना चाहिए उसके बारे में. एज इट इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी को इफेक्ट कर सकती हैं. वी शुड ऑल्सो एक्सरसाइज डेली. हमें रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए. नाउ टेल हाउ कैन यू कीप योर बॉडी हेल्दी. अब हम आपको बताते हैं कि आप अपनी बॉडी को कैसे हेल्दी रख सकते हैं. आई कीप माई ब्रेन हेल्दी बाय एक्सरसाइज. यानी मैं अपने दिमाग को तरोताज़ा रख सकती हूँ एक्सरसाइज से. आई कीप माई हार्ट हेल्दी बाय ईटिंग होल ग्रेन्स. मैं अपने दिल को तरोताज़ा रख सकती हूँ, हेल्दी रख सकती हूँ तमाम किस्म के ग्रेन्स खाकर. आई कीप माई स्टमक हेल्दी बाय ईटिंग हेल्दी डाइट. मैं अपने स्टमक को हेल्दी रख सकती हूँ सेहतमंदाना गज़ा खाकर. आई कीप माई लंग्स हेल्दी बाय अवॉइड पोल्यूशंस. आप अपने लंग्स को हेल्दी रख सकते हैं पोल्यूटेंट्स और पोल्यूशन को अवॉइड करके. ये आपके हेल्दी वे हैं जिस तरह से कि किस तरह से आप अपने इन ऑर्गन्स को हेल्दी रख सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है फूड फॉर थाउट. कैल्शियम मेक्स योर बोन्स हेल्दी. कैल्शियम जो है वो आपकी बोन्स को हेल्दी करती है. लेट्स चूज द बेस्ट फूड फॉर द बोन्स एंड मसल्स. आपके पास यहाँ पे कुछ डाइट है, आपने उनमें से उन फूड में से चूज़ करना है जो आपके बोन्स और मसल के लिए बेस्ट हो. चूज़ एंड कलर द बेस्ट फूड फॉर हेल्पिंग योर बोन्स ग्रो.
अब जो ऐसी फूड को आपने चूज करना है और कलर करना है जो आपके बोन्स को ग्रो करने में हेल्प करे। ऑल द थिंग्स आर ऑफ सेम क्वांटिटी, सारी की सारी चीज़ें सेम क्वांटिटी में है। योगर्ट गिव 450 मिलीग्राम कैल्शियम, मोजरेला चीज़ गिव्स 200 mg कैल्शियम, सोए मिल्क गिव्स 322.3 mg कैल्शियम, ब्रोकली गिव्स 180 mg कैल्शियम। अब आपने इन चारों चीज़ों में से एक चीज़ चुननी है जो आपकी बॉन्स और मसल्स को हेल्दी रखती है। एक या दो आप इनमें से हो सकती हैं, या माइट भी पॉसिबल के तीन भी हो सकती हैं, और आपने उसमें कलर कर देना है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। आप ये एक्टिविटी अच्छे तरीके से करें। आपने इनमें से जो भी फूड है हमारी बोन्स के लिए हेल्दी है, आपने उनमें कलर कर देना है और ये आपने इस तरह से राइट कर लेना है। पेज नंबर 7 पे जो एक्टिविटी बताई गई है वो करनी है और ये आपने परफॉर्म करने हैं। अल्लाह।